नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। और बिहार में शराबबंदी के बाद भी मिल रही शराब को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बिहार में शराबबंदी को लेकर तंज भी कसा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब सोशल मीडिया और साथ ही साथ पोस्टर बैनर के माध्यम से भी सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं जिसे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से साझा किया गया है। तो बिहार में ओल्ड गैंग की सुशासन ब्रांड नामक जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान जा रही है, ये कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार सिवान और छपरा और गोपालगंज में लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं शराबबंदी को लेकर आरजेडी के पोस्ट पर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। राजद का मतलब होता है राष्ट्रीय जहरीला दारूबेचवा पार्टी, जो पूरे बिहार में आज जो है जहरीली शराब से मौत हो रही है, उसका कारण और हेतु है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके संरक्षण में ये सारे कारोबार फैल रहे हैं। पूरे बिहार में दारू और बालू का अवैध कारोबार का जनक जो है राजद है। राजद पूरे बिहार में आतंक मचाए हुए है। तेजस्वी यादव जब सरकार में होकर के डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे होते हैं, उस समय इनको जहरीली शराब और शराब से कोई हानि नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो सरकार से अलग हो जाते हैं, शराब और जहरीली शराब उनको दिखाई पड़ने लगता है। तेजस्वी यादव सत्ता की लालच में इस प्रकार का ट्वीट और इस प्रकार का अभियान चलाना, यह बिहार के लोगों के साथ छलावा है। बिहार में शराबबंदी के एवज में हर घर शराब पहुंचाने की जो जिम्मेवारी बिहार सरकार ने ली है, वो बिल्कुल सफल रही है। पिज्जा की तर्ज पे ही घर बैठे शराब का ऑर्डर दीजिए, होम डिलीवरी कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये तो महज सिर्फ दिखाने के लिए शराबबंदी है, इसके पीछे जो आर्थिक लूट है, जो एक संगठित रूप में इन लोगों को चला रहे, आखिर उनमें कौन लोग सम्मिलित है? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में या जनता दल यू के संरक्षण में शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे या पैरेलल इकोनॉमी के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे थे? और महागठबंधन सरकार ने संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। देखिए, पुलिस से अधिक है सरकार का इकबाल, और सरकार का जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो माफिया हावी हो जाते हैं। और अगली खबर आपको बार से बताएंगे, जहां थाने के मुख्य गेट लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताते हुए गेट नहीं लगने दिया। देर रात गेट लगने से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पहले से ही थाने के अंदर से रास्ता है जिसको बंद नहीं किया जा सकता है। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग जुट गए और गेट लगाने का विरोध करने लगे। मामला गंभीर होता देख एसडीएम के समझाने के बाद सहमति बन गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि बाढ़ थाना के नए भवन बनने के बाद गेट लगाया जा रहा था। थाना नया बना है और ये जो रास्ता था सार्वजनिक है, जुग जमाने से है और नक्शा में भी है, सर्वे में भी है, मस्जिद जाने का और लोगों का आने जाने का। तो इन लोग जो है मनमानी ढंग से गेट, जबकि एस डी ओ साहब से बात हुई, थाना वालों से बात हुआ था कि भाई गेट उट नहीं लगेगा, लेकिन रात के मौका दे करके अभी आज पीरियड ढाला शाम में और आज ही गेट लगा रहा है, ये लोग चुपके चुपके। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा जल्द होनी है। बरहेट और टूंडी सीट से घोषणा की जाएगी। एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही चुनाव और अब तक 66 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। बरहेट और टूंडी सीट पर घोषणा बाकी है, किसी भी वक्त घोषणा की जा सकती है। सिल्ली के साथ टूंडी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो। हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट में बीजेपी उतार सकती है चौंकाने वाला चेहरा, ऐसी खबर सामने आ रही। तो आपको बता दें कि राजधानी रांची में सियासी तापमान काफी हाई है, लगातार नेताओं का चयन किया जा रहा, अलग अलग सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से 66 उम्मीदवारों का चयन तो किया जा चुका है, लेकिन दो सीट जो कि बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही, बरहेट और टुंडी, इन दो सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना अभी बाकी है।
वहीं जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जामताड़ा में विरोधी प्रत्याशी के लिए विवादित बोल के खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और रिजेक्टेड माल वाले विवादित बयान पर इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। बीजेपी ने आयोग से इरफान अंसारी को राज्य बदर करने की मांग की, जिस पर आयोग ने भी जांच का भरोसा दिला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड के सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि उन्होंने विवादित बोल बोले, जिसके खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है और रिजेक्टेड माल वाले विवादित बयान पर इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस शिकायत के मद्देनजर आगे कार्रवाई कब की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी ने आयोग से शिकायत कर दी है। इरफान अंसारी को यहां तक राज्य बदर करने की भी मांग की है, जिस पर आयोग ने जांच का भरोसा दिया है। कहा है कि इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। कि इरफान अंसारी जी को पूरे चुनाव तक राज्य से बदर कर दिया जाए, इनके नामांकन को रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामला यह है कि डॉक्टर इरफान अंसारी, जो जामताड़ा के वर्तमान में विधायक और मंत्री भी हैं, इन्होंने जामताड़ा से भाजपा के उम्मीदवार सीता सुरेन जी को रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया है, जो किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। आज मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने वीडियो को देखा है और मामले में त्वरित जांच के आदेश दिए हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। दरअसल इरफान अंसारी ने एक बयान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो हमेशा बोरो प्लेयर और रिजेक्टेड माल का इस्तेमाल करती है, जिस पर जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इरफान अंसारी से माफी मांगने के लिए कह दिया। बवाल बढ़ने के बाद अब इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर पलटवार किया। इरफान अंसारी ने लिखा है कि झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल खेला जा रहा, जिसको लेकर वो बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जीत को मैं हरा चुका हूं, मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था, यहां तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहां जहां जा रहे हैं। अपार जन समर्थन, अपनी खुद की हार देखी, इसीलिए वो उनका दिमागी संतुलन जो है कि पूरे तरह से खो गया है और मेरे खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे, बयानबाजी देने लगे, अमर्यादित बयानबाजी दिए। एक महिला के लिए, एक मेरे जैसे महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किए, बोलने के लिए भी हमको तो शर्म लग रहा है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो झारखंड के सारे महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, दिल्ली में लव जिहाद का खूनी मामला सामने आया है। सोशल मीडिया फेम बनने की कोशिश करते करते 20 साल की सोनिया उर्फ सोना सलीम के झांसे में आ गई और जान से हाथ धो बैठी है। नांगलोई के रहने वाली सोनिया उर्फ सोना ने, जिसे संजू समझकर प्यार किया और करवा चौथ के दिन घर से अपना सारा सामान लेकर अपने दोस्त के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आ पाई। आरोप है कि जिसकी लंबी उम्र के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी सलीम ने सोनिया की हत्या कर दी और लाश को रोहतक की एक खेत में दफना दिया। दिल्ली पुलिस को इस मामले की शिकायत 23 अक्टूबर को मिली और इसी के बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कत्ल की बात कबूल कर ली है। तो देखिए, लव जिहाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद शव को दफनाया गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे और सोनिया की तरफ से इसी युवक के लिए व्रत रखा गया था, जिसने अपना नाम बदलकर उसे बताया और उसी के झूठे बातों में आकर सोनिया ने उसके पास जाने की हिम्मत की। वो उसके साथ रहना चाहती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इन सब के बीच सलीम ने उसे धोखा दिया और उसके बाद उसकी हत्या तक कर दी। फिलहाल सलीम से पुलिस ने जब पूछताछ की है तो उसने कबूल किया है कि उसने हत्या की है और इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है।
तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये सलीम है जिसने अपना नाम बदलकर इस युवती को बताया और इसी के झांसे में आकर सलीम ने संजू बनकर सोना के साथ अपनी जिंदगी बिताने की बात तो की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और कारज में कई धमाके हुए हैं। तेहरान में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीकों से हमला किया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और कारज में धमाके हुए हैं। तेहरान में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है और इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। तो इसराइल ईरान के बीच युद्ध लंबे वक्त से जारी है। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कई हथियार, जीपीएस डिवाइस बरामद हुई हैं। दावा है कि गिरफ्तार शूटरों के टारगेट पर राजस्थान के श्रीगंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गर्ग का भांजा सुनील पहलवान था और इसी के लिए शूटरों ने 2 बार रेकी भी की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार कर लिए। इनसे भारी संख्या में हथियार की बरामदगी की गई। स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की है। आरोप है कि सभी आरोपी पहले भी मर्डर और जबरन वसूली की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन आरोपियों के कब्जे में 6 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस, चोरी की कार, मोटरसाइकिल, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुई। इन शूटरों को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स निर्देश दे रहा था। आरजू बिश्नोई लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। आरजू फिलहाल फरार बताया जा रहा। और भागलपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बागीचे में मिली युवक की लाश, लोदीपुर थाना क्षेत्र के समरसपुर कोढ़ा के पास का यह मामला बताया जा रहा। मृतक के सिर और पैर में चोट के निशान हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही, शव की पहचान नहीं हो पाई है। लोदीपुर थाना क्षेत्र में 90 घंटे के अंदर ये तीसरी लाश मिली है। इससे पहले 2 महिलाओं का शव भी मिला था। लगातार शव मिलने से लोगों में डर का माहौल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां मृतक के सिर और पैर में चोट के निशान है। इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। लोदीपुर थाना क्षेत्र में ये तीसरी लाश है और ऐसे में लोगों में दहशत है कि आखिर इस तरह की वारदात कैसे हो रही, कौन इन घटनाओं को अंजाम दे रहा। 90 घंटे के अंदर ये तीसरा शव मिलना, इलाके में सनसनी फैल गई है, दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हैं। लगातार शव मिल रहे हैं, पहले 2 महिलाओं के शव मिले और अब एक और शव मिला है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। शव से सनसनी की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां बागीचे में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये शव किसका है, कहां से आया, किस वजह से इस युवक की हत्या की गई, पूरी तलाश जारी है। और नवादा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिवाली को लेकर शराब की बड़ी खेप को नवादा लाया जा रहा था। कादरगंज थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर गिट्टी लदे ट्रक से कुल मिलाकर 2,583 लीटर विदेशी शराब जब्त कर ली। पुलिस ने मौके से ट्रक, एक पिकअप वैन और 2 बाइक को भी मौके से पकड़ लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि स्थानीय पुलिस कारोबारी का पता लगाने में जुटी है और जल्द ही कारोबारी का पता लगा लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2,583 लीटर अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की हर जोर आजमाइश सरकार की तरफ से की जा रही, तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, शराब की खेपों को बरामद किया जा रहा है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, इस कमरे में आपको कार्टून ही कार्टून नजर आ रहा होगा जिसमें शराब है। सूचना मिली कि औरा रेलवे पुल के नीचे जो है कि अवैध रूप से शराब उतारा जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन में कदरतन थाना के अध्यक्ष अपने दल बल के साथ वहाँ गए तो पुलिस देखते ही वो लोग भागने में सफल हो गया।
और वहाँ पर जो है कि तलाशी लेने पर एक ट्रक, एक पिकअप और दो मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अगली खबर मोतिहारी से, जहां चकिया पुलिस को शराब के खिलाफ जारी अभियान में बड़ी सफलता मिल गई है। एसपी के निर्देश पर दो जगह छापेमारी में 276 लीटर देसी और विदेशी के साथ नेपाल मेड शराब जब्त की गई। शराब के साथ दो तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। आरएसपी कॉलेज के पुराने भवन के पास पुलिस टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान पलंग के बॉक्स में छुपाकर रखी गई 148 लीटर शराब को जब्त कर लिया गया है। तस्कर शराब तस्करी के लिए पानी, खाद्य तेल के जार के साथ दूसरे डिब्बों में डिलीवरी करते थे। दूसरी छापेमारी जितेरा गोपालपुर में की गई, जहां फूस के घर में छिपाकर रखी गई 132 लीटर शराब को जब्त कर लिया गया है। इसमें 20 लीटर नेपाल मेड शराब बताई जा रही। पुलिस की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। और ये जो शराब की बरामदगी हुई है, इसके पीछे के बैकवर्ड लिंकेज को फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। उम्मीद है कि इस पर आगे भी हम लोग वर्क करेंगे और अन्य की भी गिरफ्तारी संभावित है, अन्य की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और बिहार में लगातार हो रही शराब से मौत की घटना को देखते हुए सरकार ने अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं और इसी को लेकर मंत्री रत्नेश सदास समस्तीपुर पहुंचे और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कला जत्था की टीम ने अलग अलग प्रकार के नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और मंत्री रत्नेश सदा भी कलाकार की भूमिका पर मंच पर नजर आए। इस जागरूकता अभियान में खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा भी पहुंचे और लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी दी। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में आज बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा एक जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इसी कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कला जत्था की टीम के द्वारा अलग अलग प्रकार के नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और कार्यकर्ता के माध्यम से, मेरे माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर दी जा रही है और जो लोग उपस्थित रहते हैं और नुक्कड़ नाटक को देख करके वो स्वयं संकल्प ले लेते हैं, हम लोग जो भी गड़बड़ करते हैं उस काम में नहीं लिप्त हो। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से शुरू होंगे रणजी ट्रॉफी मैच। बिहार और कर्नाटक के बीच पहला मैच होना है। मोइनुल हक स्टेडियम में यह मैच होगा। मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर और महाधिवक्ता बिहार सरकार पीके शाही उद्घाटन में शामिल होंगे और इसको लेकर मैदान बिल्कुल तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बिहार और कर्नाटक के बीच पहली रणजी मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और मुख्य अतिथि के तौर पर कुछ खास लोग आमंत्रित हैं। और बार में बख्तियारपुर बाजार के प्राचीन काली मंदिर का पुनः निर्माण कराया जा रहा है और इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। पुनः निर्माण के बाद आज मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। सीएम के आने को लेकर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया धजाया गया। बख्तियारपुर में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। सीएम आज शाम करीब 4 बजे आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इधर चक्रवाती तूफान दाना का असर भागलपुर में लगातार दूसरे दिन भी देखा जा रहा है। देर रात से ही जिले के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही तेज ठंडी हवा के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई तो वहीं धान की फसल को भी खासा नुकसान पहुंच गया। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में लगातार दूसरे दिन भी चक्रवाती तूफान दाना का असर देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में देर रात से ही हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई है तो वहीं सुबह से मौसम सुहाना है, तेज ठंडी हवा चल रही है तो अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई है और अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। साफ तौर पर जो चक्रवाती तूफान है उसका असर जिले में देखने को मिल रहा है। अमूमन इस वक्त जो है खिली धूप हुआ करती थी लेकिन अब तक जो है धूप नहीं निकला है। खास तौर पर लगातार बारिश और बूंदाबांदी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर मौसम विभाग ने जिले में अलर्ट जारी किया है। बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी भागलपुर में चक्रवाती तूफान दाना का असर देखने को मिल रहा है। बूंदाबांदी बारिश हो रही है और खास तौर पर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान दाना के वजह से बारिश हुई है तो ऐसे में धान के फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
वहीं कैमूर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर निशाना साधा और लोगों से कहा कि आप लोगों को गब्बर सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो डर गया वो मर गया और डरा नहीं वो बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा। सम्राट चौधरी रामगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। पिछला चुनाव तो आप डर गए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूँ, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है। और गब्बर सिंह से नहीं डरोगे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के। और बिहार में उपचुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, तीखी हो गई है। नामांकन का दौर अब खत्म हो गया है, वोटिंग और उसके बाद सबको रिजल्ट का इंतजार है और उसके पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत के अपने अपने दावे और विरोधियों पर पलटवार वाली सियासत भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और सभी पार्टियों की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव है वे हैं बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। मुकाबले की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह और जेडीयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तरारी में भाकपा माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत आमने सामने हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच चुनावी लड़ाई है, जबकि रामगढ़ में आरजेडी के अजीत सिंह और बीजेपी के अशोक सिंह के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। चारों सीटों पर एनडीए जीतेगी। उपचुनाव के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश में है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। यही वजह है कि प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पर निशाना साध रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर पर लोगों से झूठे फॉर्म भरवाकर बरगलाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हर शिविर महाराज के टोला में जा रहे हैं और 1,00,000 रुपया के फार्म भरा हुआ है, पढ़ाई में तुम वोट दे देना तो 1,00,000 रुपया बन के घर पहुंच जाए। चलो वैसे उपचुनाव के नतीजों से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पास थी। एनडीए की कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए। वोटिंग 13 नवंबर को है जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार, कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और गया से एलएन लिली के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।